स्वागत है रितेश, सुनंदा शर्मा फैन वन ज्वाइन, आपका भी स्वागत है। अमिताभ आपका भी स्वागत है। सुनीता जी नमस्कार, आपका भी स्वागत करते हैं। नमस्ते अमिताभ, कैसे हो? नमस्ते रितेश भाई, नमस्ते विशाल जी, थोड़ी देर में सुनंदा जी हमारे बीच उपस्थित होंगी। मैं आपको बता दूं कल कौन आने वाला है, वो मैं आखिरी में बताऊंगा, जब समापन करूंगा तब बता दूंगा। श्वेता रामपाल जी ज्वाइन हुई है। कल के विषय में बताने को एक दो बातें हैं, वो मैं आखिर में, जब सभी लोग रहेंगे तो एक साथ हम बता देंगे। मैं आज की हमारी कलाकार बनारस घराने की निष्णात गायिका सुनंदा शर्मा जी से बातचीत करने, जीवन और सृजन की एक यात्रा को लेकर उन्हीं के मुंह से सुनने के लिए उपस्थित हुए। मैं ईयरफोन लगाता हूँ, आएगा नमस्कार धीरज, आपका स्वागत है। मैं सुनंदा जी का इंतजार कर रहा हूँ, थोड़ी देर में वो हमारे बीच उपस्थित होंगी और हम लोग की बातचीत शुरू होगी। सुरुचि जी नमस्ते, आपका स्वागत है कार्यक्रम में। अब आ रही होगी आवाज ना? सुनंदा जी हमारे बीच आ चुकी हैं, मैं बिना देर किए उनको अपने से जोड़ रहा हूँ। सुनंदा जी नमस्ते। नमस्ते, आपको मेरी आवाज आ रही है? आपकी आवाज, हाँ आपकी आवाज, लेकिन थोड़ा सा रह रुक के आ रही है। आप ईयरफोन, ईयरफोन है आपके पास? अगर अगर ईयरफोन उपलब्ध हो जाए तो आसानी हो जाएगी। हम लोग, मैंने लगा रखा है ये। नेटवर्क थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाता है। लेकिन ईयरफोन जुड़ जाएगा तो बहुत अच्छा हो जाएगा, उससे फिर साउंड का संकट ही नहीं रहेगा। समीर गुप्ता जी, कुसुम अवस्थी जी, हाँ लगभग इस समय आपके और हमारे जानने वाले लोग आते जा रहे हैं। अब थोड़ी सेटिंग ठीक है, फ्रेम और फ्रेम थोड़ा सा, हाँ इस समय ठीक है।
और हाँ ठीक है, ठीक है। हाँ अभी ठीक है, इस तरह एक, हाँ अभी ठीक है, ये बहुत अच्छा है अच्छा है ना, बस ठीक है। एकदम। इसको मैं ट्राई और अब करती हूँ कि देखिए इसको मैं आवाज, फिक्स करूँ। हाँ आवाज एकदम आवाज साफ बहुत हो गई अच्छी आ एकदम, रही है, हाँ परफेक्ट। क्योंकि आप से सारा सरोकार जो है आवाज का ही है, अगर वही प्रभावित हो गई तो क्या होगा। के जी जी, त्रिवेदी हमारे दोस्त थे, रंगकर्मी भोपाल के, वो ज्वाइन अरे हुए, बिल्कुल, क्या बात। नमस्कार और जी, नमस्कार कुसुम आपका जी। स्वागत है कुसुम जी जी। तो आप ये देखते चलिएगा कि आपके मित्र भी इसमें आते रहेंगे, तो उनसे आपका एक इंटरेक्शन होता रहेगा। ये जरूर एक बड़ा जरूर, सुखद है कि इस कार्यक्रम को आपके आ जाने से एक समृद्धि मिलेगी और लोगों तक और बात पहुंचेगी। ये 7वां अंक है जब हम आपसे बात कर रहे हैं, लगभग 1 सप्ताह हो बहुत गया अच्छी है, बात, बहुत और अच्छी मैं बात। आपका आभारी हूँ कि आपने इस पर आना स्वीकार किया। अनुभूति गुप्त, ये भी शायद मैं आपसे परिचित है। नमस्कार, जी, आप क्या कह रहे थे, मैंने रोक दिया बीच में। मैं ये कह रही हूँ कि आप हमेशा अपनी कलम के जरिए जो एक सही मैसेज है पूरी दुनिया में हमेशा पहुंचाते रहते हैं, और संगीत से आपका इतना विशेष जुड़ाव, संगीत नृत्य कला से इतना जुड़ाव है, तो मेरे ख्याल जो कलाकार आपसे जुड़ते हैं, आपके थ्रू हम जब कार्यक्रम भी करते हैं या संगीत की चर्चा करते हैं, तो एक अलग तरह की दृष्टि जरूर मिलती है हर विषय को। तो मैं मन से आपकी भी आभारी हूँ कि ये आज सुअवसर हो रहा है कि हम बात कर पा रहे हैं। आई एम जी वेरी जी थैंकफुल। हम अपनी बातचीत शुरू करें इससे पहले हम थोड़ा सा इमोशनली एक देश के बहुत बड़े गुणी अभिनेता इरफान के जाने को याद कर ले रहे हैं। ये एक बड़ा लॉस है भारतीय सिनेमा के लिए और हिंदुस्तानी दर्शकों के लिए भी। वो एक बहुत बहुत बड़ा बड़े लॉस है, और कलाकार थे। ऐसे ऐसे बड़े कलाकार, और मुझे याद है उनकी 2-3 फिल्में तो एकदम, जैसे बिल्लू बार्बर थी, और भी हाँ उनकी जहां भी आते हैं तो आए थे, वो एक अमिट छाप छोड़ते थे। और जो भी कैरेक्टर वो करते हैं वो खैर, हमेशा, लेकिन हाँ यह है कि हम उनको अपनी आदरांजलि व्यक्त करते हैं और ये प्रार्थना करते हैं कि उनके परिवार को ये ईश्वर ईश्वर दुख सहने की शक्ति प्रदान करे। सही, बहुत जल्दी चले गए, बहुत जल्दी चले गए, हाँ इतना काम करके और बहुत जल्दी चले गए। तो इसीलिए आई जी जी थिंक जो आज का भी हमारा समय, जिस दौर से हम गुजर रहे हैं, जो कोरोना का जो आपदा है, तो बहुत चीजें अनसर्टन हैं, तो हाँ इन चीजों में एक एक और ये एक चोट थी कि लाइफ भी इतनी अनसर्टन है कि कुछ पता जी नहीं है, जिसके बारे में हम सोच ही नहीं सकते। जितने जीवंत जो लोग हैं वो भी कभी भी ऐसे इतनी हाँ जल्दी चले जा सकते हैं, जबकि वो बीमार थे, लेकिन एक मन नहीं मानता था कि चले जाएंगे। तो जी खैर, जी ये हम हमें उनको इसका अपनी दुख प्रेयर्स है उनके लिए हैं। जी, जी। सुरेंद्र जी, मैं इस समय आप अपने मायके में हैं हिमाचल में जी ना, जी जी हिमाचल में हूँ इस आ, समय, आ, ये कौन सी जगह है जहां पर आप हो अभी। पठानकोट के पास मेरा गांव है, डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा में, और इट्स अच्छा अच्छा हार्डली 10-15 किलोमीटर्स फ्रॉम पठानकोट, और यहाँ छोटी छोटी पहाड़ियाँ हैं, और वातावरण बहुत पोल्यूशन फ्री, और पशु पक्षी आप उनका आनंद ले सकते हैं, और हाँ हिमाचल मैं यहाँ से आवाज सुन शुरू रहा हूँ। होता है और शाम को कोयल बोलती है, मोर आ जाते हैं, बहुत सुंदर। क्या मेरा बात कर रहे, बचपन इसी घर में यहीं पे बीता है, तो बहुत हम अच्छा। आए थे यहाँ 1 हफ्ते के लिए और लॉकडाउन हो गया, तो हम यहीं रह गए। तो अब मुझे ऐसे लग रहा है कि बचपन के बाद इतना समय, इतने इत्मीनान से मैं पहली बार मना रही हूँ, इतना जो समय यहाँ पे बिता रही हूँ, फिर क्योंकि मैं अप्पा जी के पास थी, फिर दिल्ली में रहती हूँ, तो 1 हफ्ते के लिए जी कभी आए और चले गए, लेकिन फिर से वो बचपन वाला रूटीन जो मैं इस समय के लिए, जो हाँ एक बोलते हैं ब्लेसिंग इन डिस्गाइज, ये है कि हम वापिस अपनी वो चीजें कर रहे हैं जो हम करना चाहते हैं, तो वो चल रहा है यहाँ पे वो दौर ये फिर से। और ये इस पूरे समय में आपको अपनी माँ का भी सानिध्य मिल रहा है, जिनसे आपका बिल्कुल, बहुत लंबे लंबे समय बाद मिलना होता था। बहुत लंबे समय बाद ना माँ आती थी, दिल्ली आती थी ज्यादातर, जैसे कभी मेरा टूर है तो आती थी घर में रहने के लिए, बेटी के लिए, मैं उसको रखने के लिए, लेकिन माँ के पास काफी समय बाद आई हूँ, और वो बचपन का जो खाना था
वो डिटेल में जो वो बहुत समय बाद मिल रहे हैं, माँ के हाथ का क्या बना बात, हुआ। वाह वाह, और इसी घर में पिताजी से ट्रेनिंग हुई है संगीत की, तो इस घर में जो रियाज करने का सुख है, जो सुबह आपको पक्षियों की आवाज से आप उठते हो, तो वो जो समय है वो फिर से मैं एंजॉय कर रही हूँ। हाँ तो हम यहीं से आपको फ्लैशबैक पे ले चलते हैं। आप जरा याद जी कीजिए इसी घर में अपने बचपन को और कला के प्रति अपने रुझान की एक जो यात्रा है वहां से शुरू होती है, एक आकांक्षा, और कैसे उस आकांक्षा में पंख लगते हैं, उस पंख को लगाने वाले आपके पिताजी, थोड़ा हमें जी बताइए एक पूरी जर्नी को लेकर। और मेरे पिताजी पंडित सुदर्शन शर्मा जी जी इस इलाके के जाने माने वायलिन बजाने वाले, जो शास्त्रीय संगीत में एक गुणी माने गए, और उन्होंने कई शिष्य यहाँ तैयार किए और कई लोगों ने वोकल म्यूजिक भी सीखा। और बचपन से उन्होंने थोड़ा सा शुरू में कोशिश की थी कि मुझे वायलिन सिखाएं, लेकिन मैं हमेशा गाना ही चाहती थी, तो उनको समझ में आ गया कि ये गाएगी सिर्फ। और फिर उन्होंने मुझे रागों की ट्रेनिंग ये सब शुरू कर दिया बचपन में, और अपने साथ संगीत सभा पठानकोट, जालंधर, जहाँ जहाँ संगीत के कार्यक्रम होते थे तो मैं उनकी उंगली पकड़ के हर जगह जाती थी। तो यहीं से मेरी ट्रेनिंग हुई, और घर में गुरुजन आते थे, मेरे पिताजी के गुरुजी आते थे, ये लोग आते थे, और भी गुणीजन जो भी पठानकोट कार्यक्रम के लिए आते थे तो पिताजी जरूर उनको घर लाते थे। वो लोग स्टे करते थे घर में और रुकते थे 1-2 दिन, और वो हिमाचल घूमते थे और उसके बाद हमारे घर में रुकते थे, संगीत का वातावरण होता था। तो ये बचपन की जो स्मृतियां हैं, जो इंस्पिरेशन है मेरी, कि बड़े जी लोगों का, जो बड़े संगीतकारों का जो कानों में पड़ा, और मैं सोचती थी कि हाँ मैं भी एक दिन गाऊंगी। और जब भी बनारस घराने के कलाकार आते थे पठानकोट में, तो मुझे हम एक अलग तरह का फैसिनेशन होता था, तो मैं सोचती थी हाँ मैं बनारस घराना सीखूंगी, तो लेकिन कैसे सीखूंगी ये मालूम नहीं था। तो बस राग, रागदारी और ख्याल, ये मैं पिताजी से सीख सीख रही थी बचपन में, बचपन से ही। और मन में ये ख्वाब लिए हुए मैं जरूर शाम को यहाँ निकल जाती थी, यहाँ छोटी पहाड़ियां हैं तो हाँ वहां बैठ के अपना विजन देखती थी कि मैं एक दिन जरूर बनारस घराना की गायकी सीखूंगी, लेकिन कैसे जाऊंगी ये मालूम नहीं था। तो ये मनन मैं करती थी बचपन से, और पिताजी को भी बोलती थी कि मैं ना बनारस घराना, क्योंकि उसमें ख्याल है, ठुमरी है, टप्पा, ये सब है। तो वो हंसते थे मेरी बात सुन के कि हाँ ठीक है, वो ना हाँ बोलते थे ना ना बोलते थे, हंसते थे। तो मैं सोचती थी अच्छा ठीक है। तो ऐसे समय बीतता गया और मेरा रियाज चलता गया, और धीरे धीरे फिर मैंने परफॉर्म करना भी शुरू कर दिया। उस समय मैं सिर्फ ख्याल और भजन यही परफॉर्म करती थी। तो अच्छा, हमारे इलाके में मंदिर है बहुत, तो मेरा जो पहले कॉन्सर्ट्स हैं वो या तो स्कूल में शुरू हुए, और जो जी मंदिर है हमारे इलाके में तो साधु संत आते थे जैसे जन्माष्टमी के प्रोग्राम में, और कोई ऐसा धार्मिक अनुष्ठान हुआ तो उसमें मैं गाती थी। तो ये मेरा पहला वो था, या फिर पठानकोट संगीत सभा में मैंने बचपन से गाना शुरू किया पिताजी की देखरेख में ही। पिताजी को कब लगा कि ये, पहले तो उन्होंने ध्यान नहीं दिया, फिर जब उन्होंने देखा कि आप गाने लगी, तब उनको कब लगा कि अब मुझे भी अपनी बेटी की मदद करना चाहिए और एक रास्ता दिखाना चाहिए? कैसे उनके ध्यान में आया कि आगे क्या करें? मैं एक्चुअली पढ़ाई में अच्छी थी और साइंस वगैरह के लिए सब लोग बोलते थे परिवार में, और हाँ पिताजी को तब उस समय, क्योंकि एक हर पिता के मन में एक होता है कि बेटी है तो वो जो भी बोल रही है लेकिन प्रैक्टिकली उसको करना मुश्किल होता है। तो पिताजी उस तरफ, सच बोलूं तो उन्होंने कोई कदम नहीं बढ़ाया कि इसको मैं आगे कहीं किसी गायिका से तालीम दिलवाऊं। और वो ये कहते थे कि एक फीमेल सिंगर को फीमेल सिंगर से ही सीखना चाहिए, ताकि टेक्निकलिटीज जो हैं, स्केल की प्रॉब्लम्स हैं, ये सब अपने आप ठीक हो जाती हैं। तो लेकिन उनको, हाँ उन्होंने उस तरफ कोशिश नहीं की, वो खुद शिक्षा देते थे। और जब वो मौका बना लेकिन, तो उन्होंने रोका नहीं। तो वो एक्चुअली मेरा ही निश्चय देखते थे कि ये कितना निश्चय है इसके अंदर। आप सपना तो जी कोई भी देख लेते हैं, लेकिन वो बड़े दूरदर्शी थे, उनको लगता था कि अगर आप कुछ करना चाहते हैं तो उसमें अडिग रहते हैं, तो फिर वो रोकते नहीं थे। लेकिन उन्होंने सहायता यही की कि मुझे शिक्षा देते गए, और कहीं रोका नहीं उन्होंने मुझे। और जब ऐसे परफॉर्म करते करते, फिर मैं जालंधर में मैंने परफॉर्म किया था, तो ऑर्गेनाइजर ने बोला कि अपाजी के साथ बनारस घराने की जो पिलर पद्म विभूषण श्रीमती गिरजा देवी जी, उनके साथ आप तानपुरे पे बैठने के लिए।
तो मैं जब उनसे मिलने के लिए गई होटल के कमरे में जालंधर में, तो अपा जी ने मेरी तरफ देखा और मुझे याद है वो क्षण। तो अपा जी ने ऐसे बोला, बेटी क्या तुम गाती हो? मैंने कहा जी मैंने सुबह की सभा में गाया। तो उन्होंने बोला अच्छा कुछ सुनाओ सुबह जो गाया। तो मैंने अहिर भैरव में थोड़ा सा उनको सुनाया। तो कामेश्वर भैया भी आ गए वो जो तबले पे थे। तो अपा जी ने फिर बोला मेरे साथ बनारस चलोगी? तो मैंने कहा जी हाँ चलूंगी। तो वो एक जो लाइन थी उससे मेरी जिंदगी का अगला सारा कुछ निर्भर कर गया। और मैं जब वापस होटल आई तो मैंने पिताजी को बोला कि उन्होंने मुझे जाने के लिए बोला। तो वो शांत रहे चुप रहे, तो उन्होंने ना हाँ की ना ना की। माँ साथ में नहीं थी, सिर्फ पिताजी थे। तो जब शाम को ग्रीन रूम में पिताजी अपाजी से मिलने के लिए आए प्रोग्राम से पहले, तो हाँ। जब उनसे मिले तो अपाजी ने पिताजी को देखा, पिताजी ने नमस्ते किया उनको। तो कहने लगे, अपाजी ने बोला भैया अपनी बेटी मुझे दे दीजिए। तो उनके बोलने में इतनी सच्चाई रही होगी या इतना कन्विक्शन, उनका जो सीधा सपाट और स्पष्ट इतना सच वाक्य रहा होगा कि एक पिता को उस समय डर नहीं लगा कि मैं क्या ये बोलने जा रहा हूँ। तो उन्होंने यही बोला कि आज से ही आपकी बेटी है। तो उन्होंने सौंप दिया उसी एक लाइन, जबकि वो उनको जानते नहीं थे अपा जी को। हाँ। तो उन्होंने बोला मैं इसको तो बनारस ले जाऊंगी। वही एक बात है कि कितनी जल्दी उन्होंने आपने वो प्रतिभा और बेचैनी देखी कि आप उनकी शिक्षा और उनके रास्ते पर चल सकेंगे। अभी शिंजनी कुलकर्णी ज्वाइन हुई, उन्होंने आपको बहुत प्यार भरा इशारा किया है। हेलो शिंजनी, आई एम सो ग्लैड यू आर हियर। बहुत प्यारी हमारी छोटी बहन शिंजनी, थैंक यू फॉर कमिंग। बहुत गुणी नृत्यांगना है और बहुत कमाल का, बहुत गुणी कमाल का नृत्य करती हैं और कमाल की इंसान हैं। और हम लोग जब मिलते हैं खूब मस्ती करते हैं। हमारी तो इनकी मम्मी हमारी बहुत अच्छी दोस्त है, अनीता जी। हमारी खूब बात अनीता जी, तो उस नाते बड़ी जीवन सिंजनी से भी वही अनुराग है। और निश्चित रूप से एक बहुत यशस्वी घराने को ये सब बिलोंग करते हैं, तो एक बहुत आदर हमेशा रहता है। वो काम ऐसा कर रहे हैं कि आदर होता है स्वयं, बिल्कुल। तो उस समय क्या उम्र थी जब आप वहाँ पर आपने बनारस जाने की तैयारी कर ली थी? 19 चल रहा था मेरा जब आपा जी ने बोला। अच्छा, फिर 20 में मैं चली गई थी आपा जी के पास। अच्छा, और फिर मैं तो पिताजी ने तब फिर मम्मी को मतलब उन्होंने, मैंने ये भी देखा कि उस समय में ये थोड़ी विषय से पता नहीं हटके है या जुड़ के बात है, लेकिन मेरे आज कहने का मन कर रहा है कि मेरे पिताजी और माताजी में कैसी अंडरस्टैंडिंग रही थी कि पिताजी ने सारे दिन उस बात को पहले समझा सोचा और अप्पा जी से मिलके फैसला कर लिया बिना माँ से पूछे हुए। और जब उन्होंने माँ को बताया तो माँ ने भी एक बार भी क्वेश्चन नहीं उठाया उनको। हाँ। उन्होंने भी पूछा कि वो सुनंदा मिन्नी मेरा घर का नाम है, मिन्नी खुश है ना? बस वो भी खुश हो गए। मतलब मैं ये देखती थी अंडरस्टैंडिंग का लेवल कितना हाई उस जनरेशन का है। सो इट्स अमेजिंग अमेजिंग। तो बस फिर आपके भाई बहन कितने हैं? मेरे दो भाई हैं, दोनों मुझसे छोटे हैं। और एक ने तबला सीखा शौकिया, एक गाना गाते हैं लाइट म्यूजिक, वो भी शौकिया गाते हैं। लेकिन काफी मेहनत दोनों करते हैं, लेकिन उनका जो काम है वो दूसरा है। दोनों ने MBA किया और दोनों एक भैया लंदन में सेटल है, एक दुबई में है और अच्छा कर रहे हैं दोनों अपनी कंपनीज में। तो वो दोनों उस समय आपसे छोटे ही रहे होंगे, तो और अगर बड़े भाई बहन होते तो फिर डिस्कशन होता है, बातचीत होती है, तो वैसा कुछ रहा नहीं। तो कुल मिला के सबको क्लियर था, सबको क्लियर था कि अगर इसने कलाकार और ये जो कला को प्रेम करते हैं थोड़े पागल होते हैं, सबको पता है। और उनको पता था कि अब ये पीछे मुड़ के नहीं देखेगी, ये तो मालूम था। मतलब किसी ने मेरे, मुझे याद है जैसे थोड़े दूर के रिश्तेदार कई होते हैं, उन्होंने पिताजी को बोला था, उस समय लैंडलाइन होता था, कि या फोन करके या मिल के बोला होगा 3-4 लोगों ने कि आप अपनी बेटी को बनारस भेज रहे हो किसी के घर, आपको मालूम नहीं है वो कौन है। तो पिताजी ने वो ज्यादा एक्सप्लेन नहीं करते थे किसी को, बड़े शांत और बड़े ऐसे कंटेंट संतोषी इंसान थे। तो कहते थे नहीं, जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, देखते हैं, कोई बात नहीं, ऐसे बस। तो सब सामने वाले की संशय भी हट जाता था तब।
बस ऐसे हो गया। और भाई लोगों ने, दोनों छोटे खुश थे क्योंकि उनको पता था कि जिस सपने के पीछे ये दिन रात मनन करती है, इसको मिल गया है। तो वो मतलब मैंने तो उनकी तरफ शायद देखा भी नहीं होगा कि कौन खुश है कौन खुश नहीं है। मुझे जो आपको एक तो प्यास होती है ना, वो मिल गया तो बस, मैंने पीछे मुड़ के देखा ही नहीं एक्चुअली। आपको वीजा मिल गया था, तो आपने कहा कि अब जाना चाहिए। बिल्कुल। एक बहुत आपको एक जिक्र करना चाहूंगा, आपने अभी लगातार मुझे बताया कि किस तरह से पिता का सपोर्ट आपको रहा। जी जब एक बार गिरिजा देवी जी भोपाल आई थी, तो उस समय एक हमको एक उनसे लंबे साक्षात्कार करने का अवसर मिला था। लगभग दो जी ढाई घंटे हमने बात की थी। उसमें उन्होंने अपने पिता के बारे में बताया था कि उनके भी जीवन में उनके पिता का बहुत बड़ा योगदान है। उनको अगर वो बोली कि अगर मेरे पिता ना होते तो मैं गायिका बन ही नहीं सकती थी, गायिका नहीं बन पाती थी। और बोले हमारे पिता ने हमको जीवन की हर वो रीत और सीख दी जो एक लड़की के लिए जरूरी होती है। और कितना सारा स्ट्रगल, बिल्कुल। कितनी सारी तपस्या, और सब कुछ उन्होंने बताया कि किस तरह उनकी शादी हो गई, किस तरह बच्चे हो गए, कैसे कैसे वो कर पाई, और किस तरह उनको पहला अवसर बिहार में कहीं पहली सभा में, जब शायद उस समय राष्ट्रपति जी के सामने पंडित गाने का मौका। पंडितों का ना ठाकुर जी गाने के लिए आने वाले थे तो वो नहीं आ पाए थे, तो पहला उनको चांस मिला था उनकी जगह गाने का, हाँ, पंडित जी की तो जगह, इतने ये सब बड़ा सुन, विशाल जनसमुद्र। जी जहाँ बड़ा जन समुदाय, तो ये सब जी कैसे ये सब संभव हुआ? और लगभग वही, तो थोड़ा सा पिताजी के बारे में मुझे और बताया कि फिर जब आप वहां बनारस चली गई, फिर वो कैसे जुड़े रहे? बीच बीच पे आते होंगे आपके पास, या आपका जाना तो फ्रिक्वेंटली उतना ना हो पाता होगा जहां से आप मायके से। जब बना, ये आपने बहुत ही एक प्यारी सी बात पूछी है। जब अप्पा जी ने बोला कि आप भैया आप बेटी को छोड़ने आइए, दोनों लोग मम्मी पापा, क्योंकि पूजा होती है हमारे यहाँ, जब संगीत शुरू हर हर घराने में अपने ढंग से होती है, तो आप लोग हाँ आइए हाँ और छोड़ के जाइए। तो मम्मी बनारस में हम गए अप्पा जी के घर में और पूजा हुई, मैंने देखा और वहां सारे काहे रे तू का करत हुआ काहे, मतलब ये सब भाषा में बोल रहे हैं। तो मैं मुझे लगा कि मैं एक नए माहौल में आई हूँ, थोड़ा सोचने लगी कि यहाँ तो सब कुछ नया है। और आपकी और भाषा क्या थी? हम यहाँ तो पंजाबी कांगड़ी भाषा? बोलते हैं ना, अरे नहीं कांगड़ी हमारे यहाँ हिमाचली कांगड़ी बोलते हैं, हम हिमाचली बोलते हैं। अच्छा और अच्छा मेरी शिक्षा पंजाब में हुई है, शादी पंजाब में बाद हाँ में, शिक्षा पंजाब में हुई, लेकिन हमारे घर में जब हम भाई बहन बात करते हैं तो हम हिमाचली में बात करते हैं, कांगड़ी कांगड़ी में। अच्छा, क्या जी तो उसकी कोई वानगी, एक आध हाँ, वाक, एक कोई क्या वाक्य बात, बोल के? ये आप ही पूछ सकते हैं। वाह, जैसे जैसे हम बोलेंगे आपका क्या हाल चाल है ना, तो हाँ पंजाबी में बोलेंगे तो अड्डा की हाल चाल है, ठीक है। हाँ और हमारी इधर नूरपुर की साइड की जो भाषा है, कांगड़ी जो है, उसे बोलेंगे तो अड्डा की हाल चाल है, के तो अड्डा की हाल हाँ चाल है। और जम्मू, मेरी मम्मी जम्मू की है, तो वहां बोलते हैं तुसें दा क्या हाल चाल है। कितना तो कितना ये फ्लेवर, दो, जरा जरा सा ट्विस्ट होता है हाँ भाषा का। थोड़ा थोड़ा सा ट्विस्ट है। तो डोगरी, हिमाचली और पंजाबी, ये तीनों बड़ी आपस में इंटरकनेक्टेड हैं और थोड़ा थोड़ा फर्क है। और हाँ यहाँ के फोक भी एक दूसरे से मिलते हैं और भाषा का बड़ा खूबसूरत छोटा छोटा फर्क है। तो हाँ वो वहां तो मैं तो सोचता हूँ जी, और वहां तो तो, काहे रे का हाल चाल हो, कैसन हो बहनी, हाँ हाँ क्या बात है, क्या एकदम। बात है। तो फिर उसके बाद अप्पा जी साथ कलकत्ता गया, तो कैमो नाचो, तुम्हें कैमो नाचो, फिर कल बंगाली। तो इस तरह से जी, तो ये सब चेंज था। तो जब पूजा होने के बाद तो अप्पा जी ने मम्मी को अपने पास बुलाया, क्योंकि पिताजी ने मुझे संगीत की शिक्षा दी है, लेकिन जो रियाज बचपन से करवाया वो माँ ने ही करवाया। वो हमेशा हाँ 5 बजे से बाद सोने नहीं देती थी, अभी भी जब मैं आई हूँ तो उनको ये उम्मीद होती है कि सुबह उनके कान में मेरी आवाज पड़नी ही चाहिए सूर्योदय से पहले। क्या क्या अभी बात है, भी, वाह। हाँ अभी भी वही है। तो वो मम्मी उठा देती थी, तो वो मतलब उसको जो काम में लाया वो मम्मी ने, मतलब डैडी तो सिखाते थे लेकिन मम्मी की कितने घंटे आज किया, रोज शाम को पूछते थे बचपन में, और अभी भी कि अभी तुम बस एक ही बार गाओगी ऐसे पूछती हैं, अभी दूसरी बार रियाज नहीं करोगी। तो ऐसे अभी भी वो यस बच्चा ही समझ के वैसे ही मुझे चेताती रहती हैं। तो अपा जी ने मेरी माँ को पास में बुलाया और बोला, सुदेश, मम्मी का नाम सुदेश है, कि बेटी को आप छोड़ के जा रहे हो तो ऐसा नहीं कि हर महीने भैया को बोलो कि अब चलो बनारस, क्योंकि यहाँ से बनारस जाना मतलब
उस समय जब ट्रेन में जाते थे, यहाँ से दिल्ली में ट्रेन, दिल्ली जाते थे, दिल्ली से ट्रेन बदल के फिर वो बनारस, तो कहते थे ऐसा नहीं कि रोज तुम भैया को बोलो कि चलो अब बेटी से मिलने, और बेटी भी बोले कि मुझे मम्मी पापा की याद आ रही है तो मैं जाऊंगी। तो ये ऐसे, क्योंकि हम एक जब ध्यान लगा के इसको सिखाएंगे, तो एक जब जगह पे लाके रखेंगे, फिर इसको आप ले जाओगे या खुद बोलेगी घर जाएंगे तो वो टूट जाएगा वहां तक का। तो इसको अब रहने दो, जब हम बोलेंगे तो तभी हाँ हम, तो उस समय मम्मी को उन्होंने पहले ही उस चीज को उन्होंने आगाह कर दिया कि रोज रोज नहीं आना जाना है। तो पहली बार मैं याद है, मैं 9 महीने के बाद जब मुझे बहुत तेज बुखार हो गया एक बार, तो फिर अप्पा जी को लगा, अप्पा जी कहा क्या रे तुझे मम्मी पापा माँ बाबा की याद तो नहीं आ रही अंदर से, तो तुम बोल नहीं रही हो। तो मैंने कहा याद तो आती है लेकिन मुझे आपके पास अच्छा लग रहा है। तो उन्होंने नहीं बेटा अब तुम हो आओ घर। तब मैं हाँ आई थी 15 दिन के बाद, फिर मैंने कहा अच्छा मैं फिर जाऊंगी, फिर मैं चली गई थी। तो इस तरह 9 साल बीत गए उनके पास, साल में एक बार आती थी। तो उनके साथ रियाज के क्या समय हुआ करते थे, किस तरह की वो गुरु थी, आप बताइए जरा सा। जरूर मैं देख रही हूँ अभी तृप्ति आई है क्या, ये हाँ मेरी बहुत ही प्यारी होनहार स्टूडेंट, क्या बोलूँ, छोटी बहन भी है और बहुत अच्छा गा रही है तृप्ति। देखा अभी मैंने हाँ शिवांगिनी को देखा, तो आई एम सो हैप्पी आप लोग यहाँ पे जुड़े हैं हाँ इन लोगों ने जी। आपका स्वागत तो किया जैसे। जी चल, तो वहां का रियाज का था, जब मैं यहाँ से गई तो हर, यहाँ का पंजाब अंग की गायकी थोड़ी मेरी थी, तो हर बात में तान, हर बात में वो चल रहा है गला, हर बात में घूम रहा है गला। तो अप्पा जी कह रही नहीं बेटा फिर की तरह तान मत घूमो हर चीज में, क्योंकि बनारस का जो अंग हो बहुत सुकून वाला हो, तो के बेटा बैठ के करे के पड़ी। अब अप्पा जी ने जैसे फिर से बोला कि अब तो के फिर से जैसा हम चाहे वैसा तो के बनने के पड़ी। अब वो फिर से वो जीरो पे लाके उन्होंने बोला कि अब तुम घर में रह के रियाज करो और बाहर अलाउड नहीं है गाना, और उन्होंने फिर से वो रियाज शुरू करवाया। और रियाज शुरू सुबह होता था, 4 से 5 बजे के बीच में अकेले बैठना होता था, तो अप्पा जी अपने रूम में से सुनती रहती थी, और फिर उसके बाद उठ के रियाज से मैं चाय बनाती थी। तो उस समय बनारस में अप्पा जी और उनकी बड़ी बहन अम्मा, वो उनसे 10 साल बड़ी थी, तो वो रहती थी, तो बस अम्मा अम्मा जी थी और अप्पा और मैं रहती थी। तो फिर चाय के समय बैठ के अप्पा जी बोलते, नाही रे अभी तुम्हारा आकार जो है वो पंजाब अंग का आवत है, अभी बनारसी नहीं भयल। तो फिर बोलती थी नहीं इसको ऐसे करो, फिर वो चर्चा करती थी, फिर कोई चीज अच्छी होती थी तो मुस्कुराती थी, वाह कभी नहीं बोलती थी अपने शिष्यों को, हाँ बहुत कम अप्पा जी ऐसे बोलती थी। तो फिर अब थोड़ा ठीक हो रहा है ऐसे बोलती थी। तो वो पूरा फिर उसके बाद नाश्ते के बाद लेकर बैठती थी, रियाज होता था, फिर शाम को तबले वाले भैया पंडित कामेश्वरनाथ मिश्र जी रोज आते थे भैया मेरा रियाज कराने। तो कभी अप्पा जी बैठ जाती थी, हफ्ते में 3-4 दिन तो बैठ जाती थी अप्पा जी खुद भी साथ में, और हम 2-3 घंटे जम के रियाज होता था। और नहीं तो अप्पा जी अपना बैठी रहती थी, अपना कुछ हिसाब किताब कुछ लिखना करती रहती थी, और नीचे कापट में बैठ के मैं और भैया हम गाते थे, वहीं से अप्पा नहीं रे ठीक नहीं हुआ, हाँ ये तान फिर से लो, हाँ इसको अब चौगुन में करो, इसको अब आठगुन में करो, एक सांस में तान लो कितना ले सकती हो, ये सब। तो अब थोड़ा बंद कर दो, मतलब ऐसे। मैंने इस चीज से मुझे ये समझ में आता है कि गुरु के पास अब जब रहते हैं तो सबसे बड़ा काम जो गुरु एक शिष्य पे करते हैं, गुरु शिष्य परंपरा में वो गुरु के ध्यान पे काम करते हैं। कि जैसे अपा जी कई बार बोलती थी अरे अरे उसमें से वो निकाल के उसमें रख दो, अब जो उनके बहुत क्लोज और जानने वाले शिष्य होते थे वो समझ जाते थे कि अब अपा जी ने खाना खाया तो उसमें से फ्रिज में से पान निकाल के डिब्बे में रख दो, उसमें से वो निकाल के उसमें रख दो। तो ये एक अंडरस्टैंडिंग जब ऐसे आंख के इशारे से हाँ बता देती थी कई चीज। और कई बार जैसे उनको, हम उनको दबाते थे, उनकी सेवा करते थे, तो हाथ के स्पर्श हाँ से जैसे अपा जी बोलते थे कहे रे तो तू तो उदास कहे हो, मैंने कहा नहीं अपा जी ऐसा नहीं, तुम्हारे हाथ से लग रहा है तुम उदास हो, तुम कुछ सोच में हो, क्या ऐसे बात है। मतलब ऐसे ऐसे गुरु थे कि अंतर तक जो भी उनके क्लोज शिष्य जो भी हुए तो कैसे उनसे इतना जुड़ जाती थी, सिर्फ संगीत नहीं मतलब टोटल ऐसा। तो धन्य ये भाग के लगभग
ये लगभग वही परख है जो माता पिता को होती है अपने बच्चे के लिए। बिल्कुल वही परख। और मुझे याद है मैं जब एक स्टूडेंट थी, मैं बहुत ही सिंपल रहती थी, कभी कोई मेकअप नहीं कुछ नहीं। और जब अपाजी के पास रहने लगी तो अपाजी के साथ फिर 3 साल के बाद मेरा पहला कार्यक्रम वहाँ हुआ था ग्वालियर में, तानसेन समारोह में। वहाँ हाँ अपाजी को अवार्ड मिलना था, तानसेन अवार्ड। तो वहाँ पे भी जी ये जी हुआ। ये एक बात और ये मैं सोचती हूँ कि ऐसे मेरा भी ऐसा ही हुआ कि वहाँ प्रभात्रे जी, डॉक्टर प्रभात्रे जी आने वाली थी, तो वो नहीं आई थी उनकी सुबह की सभा में। तो शाम दूसरे दिन शाम को अपाजी को गाना था, तो जो उस समय वहाँ आयोजक थे उन्होंने अपाजी को बोला कि वो प्रभात्रे जी नहीं आ रही हैं, तो हम क्या करें। तो अपाजी ने बोला ये गाएगी। तो उस समय अपाजी के पास 3 साल हो गए थे मुझे, 93 या 94 की बात है, जब उनको तानसेन अवार्ड मिला। तब मैंने पहला कार्यक्रम बनारस घराने में गाने के बाद, सीखने के बाद, वहां पे अपाजी, मैंने सुबह के सभा में राग तोड़ी, फिर ठुमरी, फिर टप्पा, फिर दादरा, फिर भजन, ये लंबा पहला प्रोग्राम जो सोलो जो था बनारस घराने का, वो मैंने वहाँ किया, ग्वालियर में किया था। तो इस तरह से मेरा वो शिक्षा आगे, मतलब जो वो सामने बैठी थी अपाजी एकदम, तो शुरू में तो थोड़ा, क्योंकि पहला कार्यक्रम था और अपाजी एकदम सामने बैठी थी, तो शुरू में तो थोड़ा सा डर भी लग रहा था गुरुजी के सामने बैठी हैं। लेकिन उसके बाद हाँ फिर उनकी स्माइल देख के कि उनका आशीर्वाद साथ में है, तो उस तरह से फिर आगे शुरू हुआ सफर वहां से। लेकिन जब उनके साथ मैंने फिर जी सॉरी कुछ कह रहे बोलियो थे, बोलियो। हाँ, तो हाँ फिर अपा जी ने पूरा करें। साथ में अपने साथ मुझे गवाने के लिए कि अब तुम अपने मेरे साथ भी गाओ, थोड़ा थोड़ा सोलो भी शुरू करो। तो हाँ ये चेंज आया कि मुझे लगा अब थोड़ा सा मुझे मेकअप करना चाहिए, मैं स्टेज पे जा रही हूँ थोड़ा ये। तो उस समय अपा जी बहुत एकदम, मुझे याद है अपा जी कह रही, आजकल तुम्हारा ध्यान थोड़ा भटक रहा है, मतलब एक इतनी पैनी दृष्टि। और मैं मतलब 22-23 साल की लड़की, और वो उम्मीद कर रही थी कि जैसे मैं इसको लाई थी ये बस अभी ध्यान में 8-10 साल, इसको एकदम किसी चीज में नहीं होना चाहिए कि बिंदी लगा रही हूँ या लिपस्टिक लगा रही हूँ। तो अपा जी को वो एकदम, उनको खटक गया, तो ये मुझे याद है। तो मैं एकदम चुप हो गई। तब नहीं बेटा, ध्यान तुम्हारा जो है एक ही तरफ रहना चाहिए। तो स्ट्रिक्ट नहीं थी पर वो जरूर बताती थी। और मेरे जो और गुरु बहने जी, कहीं ना कहीं एक अनुशासन उनके मन में रहता था कि ये हमारे अनुशासन यहाँ बेटियों की तरह हैं और इनका ये जिस उद्देश्य के लिए आई हैं वो परम है, बाद में क्या बात, चीजें यही सेकेंडरी हैं, चीज ऐसे है कुछ। वही, उनको लगा कहीं भटक ना जाए अपने, मतलब प्रोटेक्टिव थी और अपने दायित्व के लिए। बहुत ही सच्चे गुरु ही ऐसा सोच सकते हैं जो 100% आपकी ग्रूमिंग को देखते हैं। हाँ हाँ कुछ सुनाएंगी, क्योंकि अगर आप से कुछ सुना नहीं गया तो फिर बात बनेगी नहीं, और यहाँ पर जो हम दोनों को अच्छा सुन रहे हैं उनकी अपेक्षा रहेगी कि आप जरूर कुछ गाएं। या अच्छा तो ये है कि कोई गुरु गुरु को जो पसंद हो वो रचना, या अच्छा जो भी आप ठीक समझे, जो आपने सोच रखा हो। अपा जी आखिरी दिनों में जाने से कुछ महीने पहले जब आई थी, तो एक ठुमरी जो लास्ट ठुमरियां उनसे सीखी हैं, हाँ कुछ नेटवर्क का इश्यू आया है सुनंदा जी की तरफ से। नेटवर्क का इशू हुआ है, दोबारा जुड़ जाएंगे हम लोग, हम वेट कर लेते हैं, उनकी प्रतीक्षा कर लेते हैं। अभी जरा कुछ नेटवर्क का व्यवधान आया है, दोबारा वो जल्दी से ज्वाइन होंगी, फिर उनको जोड़ता हूँ। इस बीच देखा डॉक्टर अनिल चौबे जी ज्वाइन हुए,
चेतन जी नमस्कार, जयंत दादा ज्वाइन हुए बंबई से, तो जी वो हमारा कोई कनेक्शन नेटवर्क? नेटवर्क हाँ का प्रॉब्लम हो गया। हाँ अब मैंने ये दूसरा फोन लिया है, हाँ जी इसमें बहुत नेटवर्क अच्छा। नहीं आ रहा। जी हाँ, थोड़ा धूप का शेडो है आपके पीछे, अच्छा, आपके राइट हैंड साइड, ऐसे करें, हाँ ये ठीक है, ये ये ठीक है। ठीक है। हाँ ये खंभावती में एक ठुमरी है, राग जी जी खंभावती में, बड़ी रेयर, उसकी मैं स्थायंत्रा सुनाती हूँ। हाँ मन हर लीनो मोरा रे, श्याम सुंदर की प्यारी सुरतिया। जी राइट, स्वागत। हर लीनो मोरा सुरतिया, मन हर लीनो मोरा रे, निस दिन ध्यान धरत यू नाही पे, निस दिन ध्यान धरत कब करी है हरि फेरा रे, वाह नाथ पिया तुम्हार बेगी मिला, वो नाथ पिया तुम्हार बेगी मिला, वो ध्यान मोहे तोरा रे, मन हर लीनो मोरा रे, जी श्याम सुंदर की प्यारी सुरतिया, मन हर लीनो मोरा रे। बहुत अच्छे बहुत अच्छे। मैं सबकी ओर से बजा रहा हूँ। थैंक ये सुरुचि मोहता है बंबई से, ये गायिका है, आपको दिखा अति सुंदर ठुमरी। क्या बात, थैंक यू जी, थैंक यू सुरुचि। और उज्जैन में त्रिपद लोक गायक है गलती बहुत है ये बड़े, लंदन। सुंदरलाल जी मालवी, ये सुनीता सिंह जी है हमारे भोपाल में, आजाद अच्छा, हिंद रेडियो में अधिकारी हैं, सभी लोग आपको सुन रहे हैं। ये बहुत थैंक अच्छी यू। रचना, और ये उन्होंने अपने आखिरी वक्त में ये तोहफा आपको दिया, ये आखिरी ये समय नहीं, ये अकेले कुछ चीजें उन्होंने मुझे अकेले जो सिखाई थी ये उनमें से नहीं है, ये तीन चार लोग और हैं उनको भी सिखाई थी। मुझे हाँ याद है जब ये, हाँ ये हमने लास्ट उनके विजिट जो दिल्ली की थी तब उन्होंने सिखाई थी, लेकिन ये मुझे हाँ बहुत बहुत प्रिय, उन्होंने बहुत कम गाई है ये मंच पे, लेकिन ये हाँ राग झिंझोटी खंभावती मुझे बहुत बहुत पसंद है, बहुत अच्छे लगते हैं। बाद में जब ये आप लगातार
स्टेज पर जाने लगी और फिर आपने स्वतंत्र रूप से कार्यक्रम शुरू किए और एक तरह जी से वो आश्वस्त हो गई आपको कि आप एक ऐसी कलाकार बन चुकी है कि अब आपको अकेले चल देना है। फिर उन्होंने आपकी निगरानी किस तरह की, आप कैसे हाँ, गा रही हैं, कैसी? जी उन्होंने निगरानी, सबसे हाँ पहले तो जब मैं बनारस से कार्यक्रम करने के लिए जाती थी, सोलो प्रोग्राम शुरू हुए तो हाँ कामेश्वर भैया साथ में जाते थे, तो जो तबला बजाने के लिए आते थे गुरु घर में, जो हमारे पंडित धर्मनाथ मिश्र जी हैं जो हारमोनियम वादक हैं, उनके हाँ भाई या तो अप्पा जी के गुरु हाँ जी के पोते, तो कामेश्वर भैया हमेशा हर प्रोग्राम में ट्रैवल करते थे हाँ साथ में, कामेश्वर भैया इसीलिए होते मैं थे निगरानी शब्द का प्रयोग इसलिए किया कि वो गुरु सब बाद में भी देखेंगे कि रास्ता कौन सा है, कौन सा पथ है। जगह। हाँ, और फिर लोग भी फोन करके उनको बता देते थे, जैसे जयपुर में मुझे याद है श्रुति मंडल में प्रोग्राम हुआ हाँ तो मैंने सोलो गाया, तो वहाँ प्रकाश चंद सुराना जी जिन्होंने संगीत को इतना बढ़ावा दिया है, तो हाँ उन्होंने अप्पा जी को पूरा डिटेल में फोन करके काफी तारीफ की, अच्छी बातें कुछ बोली कि अप्पा जी खूब हंस हंस के बात करी थी, खूब खुश थी, और जब फोन के बाद उन्होंने बोला प्रकाश भैया खुश थे तुम्हारे गाने से, बस। तो ये बहुत क्या बड़ा बस इतना, अच्छा। तो मतलब सबसे पूछ लेती थी कि क्या चल रहा है, और शुरू शुरू में सभाएं जो बनारस में भी होती थी तो अप्पा जी सामने बैठती थी, तो जैसे मैं बराबर की तान ले रही हूँ तो फिर इशारा करती थी कि अब दुगुन, ऐसे शुरू शुरू में एक एक दो बार ऐसे हुआ है, ये भी एक ट्रेनिंग थी, ये बहुत ही मतलब मैंने किसी कभी बात की नहीं है ये, तो अप्पा जी सामने से ऐसे इशारा करती थी दो कि अब दुगुन की तान लो, अब ऐसे चार गुन की तान लो, तो ये शेपिंग अप कि अब हाँ तुम्हारा वही तुम बराबर है, बहुत तान हो गया, दुगुन का बहुत हो गया, अब चार गुन में बढ़ो, तो ये हाँ आंख के इशारे से बता देती थी, तो ये हाँ उन्होंने तब भी पूरा ध्यान रखा आखिरी समय तक एक्चुअली। हाँ हाँ आपको तो देश के सभी प्रतिष्ठित संगीत समारोहों में जाने और गाने का अवसर मिला। कोई ऐसी सभा आपको याद है जो बहुत अविस्मरणीय हो? कौन सा कार्यक्रम था, कौन सा शहर था, क्या अवसर था? एक तो मुझे जीवन में सबसे अनमोल सभा यही लगती है जब मेरे गुरु ने बोला कि अब तुम बनारस घराना गाने के लिए तैयार हो, और ग्वालियर में तानसेन समारोह में वहां हाँ मुझे पहली बार, जो तो वो मेरे लिए बहुत बड़ा एक ईश्वर की तरफ से एक क्या बोले एक आशीर्वाद कह ले, या मेरे मन को एक वो था कि हाँ मैंने जो रास्ता चुना है मैं सही जा रही हूँ, तो वो अच्छा लगा था। और एक मुझे सभा याद है अप्पा जी का ही कार्यक्रम था, उस्ताद अमजद अली खान साहब के साथ उनकी जुगलबंदी थी ब्रसल्स में 2005 में, तो अप्पा जी की तबीयत थोड़ी खराब हो गई तो डॉक्टर ने उनको ट्रैवल करने के लिए मना कर दिया, तो फिर अप्पा जी उन सब वहां पे हो चुका था, पोस्टर्स वगैरह छप गए थे, तो खान साहब का आंटी का एक्चुअली फोन आया अप्पा जी को कि खान साहब कह रहे हैं कि सुनंदा हमारे साथ गाएंगी वहां, तो मैं एकदम मैंने कहा मैं उनके साथ जुगलबंदी कैसे कर सकती हूँ हाँ खान साहब के साथ, हाँ तो खान साहब ने बोला नहीं नहीं कोई बात नहीं, आप इतना सहज भाव से उन्होंने भी बोला, तो मैंने उन खान साहब के साथ वहां जो गाया था ब्रसल्स में गाया था बेल्जियम में, तो मैं एकदम थोड़ा, लेकिन मुझे इतना डर इसलिए नहीं था क्योंकि अप्पा जी और खान साहब जब बैठ के कार्यक्रम को डिसाइड कर रहे थे कि क्या वहां पे परफॉर्म करना है, तो अप्पा जी मुझे कह रहे थे तुम रिकॉर्ड कर दो भैया को चीजें, तो वो मैंने ही रिकॉर्ड करके खान साहब को दी थी कि अप्पा जी ये गाएंगी क्योंकि वो उनको सुनने के लिए, तो फिर फाइनली बाद में मैं ही गई वहां पे, और तो जो दिल्ली में डिसाइड हुआ था कि ये गाना है ब्रसल्स में, खान साहब का मूड चेंज हो गया, अब संजू साय जी तबले पे भी थे, तो खान साहब वहां पे फिर उन्होंने बोला देखिए अब इससे शुरू करते हैं राग, जो जो उन्होंने राग, लेकिन उन्होंने मेरी राय भी जानी, और मैंने इतना आनंद लिया उस कार्यक्रम का, खान साहब का इतना इतना ऑरा इतना अच्छा था म्यूजिकल कि मैं गा रही हूँ तो इतना उन्होंने उस गाने को भी आनंद ले रहे थे, और सुभान अल्लाह माशाल्लाह ऐसे बोल रहे हैं, और इतना आशीर्वाद दिया, स्टैंडिंग ओवेशन हमें 2 बार स्टेज पे वापस आए थे हम लोग, ऑडियंस को 2 बार उन्होंने हमें क्लैपिंग रुकी नहीं रही थी, तो वो मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी कि अप्पा जी की जगह मैं वहां पे गाने गई थी खान साहब के साथ, तो खान साहब ने फिर अप्पा जी को फोन करके मेरे लिए जो बोलना होगा बोला था, अप्पा जी बहुत खुश थी, तो वो मुझे था कि मैं मुझे गुरु ने किसी काम के लिए भेजा है, और
वो अच्छे से हो गया, तो कभी कोई वो एक ऐसा बहुत जी कभी कोई ऐसा अवसर भी मिला जब एक साथ आप दोनों ने बैठकर गाया हो किसी सभा में, बहुत बार आप्पा जी और आप, कोई बहुत बार यादगार बहुत कोई? मतलब मेरा कार्यक्रम पहले हो जाता ऐसा ना कि एक ही मंच पे एक ही मंच पर दोनों ने गाया हो जी कभी? जी बिल्कुल होता था, वो और बड़ा मजा आता था, क्योंकि शाम हाँ को चाय के बाद जैसे हम हाँ बैठते थे कि 10-15 मिनट प्रोग्राम की तैयारी करने के लिए, मैं हाँ बेटा तानपुरा लेके आ, अच्छा तू बतावा तो कि काका का गावे का मन हो, पहले मुझसे पूछती थी, तो हम फिर वो नहीं गाएंगे तो ऐसे ऐसे अपा जी मेरा ये दादरा गाने का आजकल, ठीक है फिर हम दूसरा, हमारी तो लिस्ट बनवाती थी, तुम कितना देर का है तुम्हारा, 45 मिनट है तो 44 मिनट पे उठ जाना, 1 मिनट भी एक्स्ट्रा नहीं, और वो खुद भी ऐसे करती थी, तो वो पूरा लिस्ट, अच्छा तो तुम्हारा ये गाने का मन है तो चलो ठीक है तुम्हारी ये लिस्ट, तो ये और तरह का मजा आता था, अच्छा बताओ हम क्या गाएं और तुम क्या गाओगी, तो जैसे होता ना कि एक बच्चे का जैसे शौक होता ना कि बताओ आज हम कौन कौन सा खेल खेलेंगे, या बताओ तो कौन से रंग के कपड़े पहने, इस तरह से ही वो कंपोजिशंस को उतने चाव से उसके बारे में हम लोग जो बात करते थे, उसका आनंद जो सिर्फ गाना मंच पर नहीं उससे पहले उसके बाद इतना आनंद आता था, वो म्यूजिक की रेजोनेंस जो बाद में रहती थी, अगर अपा जी ने बैठ के सुना उनको अच्छा लगा तो जब हम खाने की टेबल पे बाद में बैठते थे तो तारीफ उनकी यही होती थी, एक पूड़ी और खा लो, नहीं अपा जी बस नहीं खा लो रे खा लो, एक रसगुल्ला और ले लो, मतलब कि वो खुश हैं, और ऐसे नहीं बोलती थी कि अरे वाह क्या तुमने गाया, नहीं मतलब वो उनकी स्माइल से ही पता लग जाता, तो बड़े क्या बोलूं मैं, आप खुद उनसे मिले हुए हैं तो आनंद लेते थे इस चीज का, बहुत आनंद लिया एक बात मेरी जिज्ञासा है, ये आप आपके मुंह से सुनना चाहता हूँ कि इतनी जी बड़ी इतनी विलक्षण गायिका होने के बाद भी इतनी सादगी और सहजता, मतलब जी प्रसिद्धि उनको छू तक नहीं गई थी, नहीं और जो यश था वो महसूस करती थी, लेकिन इन सब के बाद उनमें इतना विनय, इतनी विनम्रता, और इतना ही एक मूलभूत जो कलाकार जैसा होता है अपनी जगह को समझने वाला, ये सब गुणों की क्या वजह थी, आपको क्या लगता है? ये सब गुणों की वजह मुझे ये एक लगती है कि जो वो सुबह 2 घंटा अकेले बैठती थी, सुबह वो अपना 1 घंटा तो उनका पूरा पूजा का होता था, 1 घंटा तैयारी ऐसा, तो उस 2 घंटे में उनके कमरे में बहुत बहुत ही कम लोग जाते थे जिनको अलाउड होता था, तो अपना मेडिटेशन अपने आप में रहना, तो वो जो उनका अपने आप से जो रोज मिलती थी, वो जो मेडिटेशन भी कह लो, मेडिटेशन नहीं भी कर रही है तब भी बैठी है, तो वो अपने आप से जुड़ाव जो था उनका उससे वो अपने आप हाँ से पूरी तरह जुड़ी थी, और सिर्फ वो एक बहुत बड़ी कलाकार नहीं थी, वो बहुत बड़ी इंसान थी, कहीं भी जाती थी तो अपने अपने साथ बनारस की मिट्टी लेकर चलती थी, कि वहां अमेरिका में जा रही है तो साबुन से हाथ धोएंगे तो लेकिन हम बनारस की मिट्टी से हाथ धोएंगे, तो ये सब उनके जो चीजें थी वो उनको वो बनाती थी, कि जो एक संत भी थी वो, या उनको ये सब चीजें छू के नहीं जाती थी, वो बहुत गहरे में उसको जीती थी, तो बहुत हल्कापन नहीं देखा उनके अंदर कभी, कि बहुत छोटी सी बात में एक्साइटेड हो गई, बड़ा से बड़ा सम्मान भी उनको मिलता था तो बोलते सब गुरुओं का आशीर्वाद है, सब ईश्वर जाने, और कभी हाँ उनका गला खराब है प्रोग्राम अच्छा नहीं हुआ तो बहुत ज्यादा डिस्टर्ब नहीं होती थी, तो फिर कहती थी काहे रे पता नहीं अच्छा नहीं हुआ आज, चलो ईश्वर की जो मर्जी, चलो रे खाना वाना खाया जाए, तो ऐसे ये था कि वो एक ही चीज को पागलपन की तरह नहीं था, उनका पूजा की तरह उसको लेती थी, और शायद यही वजह रही होगी कि वो हर चीज को उन देखती थी कोई ना कोई सीख भी उन्होंने आपको दी होगी, गुरु माँ होने के नाते अपनी शिष्या को कोई ऐसी सीख जो आपको आज भी हमेशा याद है और गांठ में आप बांध के रखती हैं, जो हाँ, हमेशा उन्होंने आपके मुझे साथ बोला चलने था, वाले। बिल्कुल मेरे साथ वो एक सीख रहती, उन्होंने बोला कि जब जब मैंने गाना सीखना शुरू किया था, और उन्होंने बोला था तुम उस एरिया से आई हो, वहां का पानी आबो हवा अलग है, अब यहाँ का संगीत यहाँ का घराना तुम्हें मैंने सिखाया है, लेकिन तुम अपना फ्लेवर मत छोड़ना, मतलब तुम्हारी जो आवाज का लगाव है वो अपना होना चाहिए, तुम्हारी जो घर का संस्कार है वो तुम्हारे साथ चलना चाहिए, ओरिजिनल मतलब ओरिजिनैलिटी नहीं छोड़नी चाहिए इंसान को, तो मैं भी इसी में विश्वास करती हूँ, क्योंकि मैंने पिताजी भी ऐसे थे कि वो हर सिचुएशन में मैंने उनको समान भाव से देखा, तो ओरिजिनल वो यही कहती थी बस सादगी और ओरिजिनल रहना, कि कोई चीज तो परमानेंट रहती नहीं है,
तो ये चीज मुझे मुझे जो गांठ बांध के चलती हूँ, जिसको मैं जीती हूँ, मैं आनंद में रहना चाहती हूँ। और अगर मुझे सिखा के आनंद मिलता है, सीख के आनंद मिलता है, गा के आनंद मिलता है, और जो मेरी आत्मा, जो मेरा मन बोलता है, मैं वही करती हूँ। बनारस घराने की गायन परंपरा जो खास तौर से अप्पा जी के द्वारा शुरू की गई, और अब उसके आप जैसी गुणी शिष्या है, सब उसके संवाहक हैं आगे, वो घराना लगातार आप सबकी सक्रियता और प्रतिष्ठा से कायम बहुत रहने शिष्य वाला तैयार है। किए, बहुत शिष्य तैयार किया पाजी ने, बहुत बहुत ज्यादा, बहुत। मैं देखती, इतना बड़ा कलाकार और इतना बड़ा गुरु एक साथ होना बहुत बड़ा संयोग की बात है। तो उस हिसाब से अपाजी का बहुत कंट्रीब्यूशन है। मतलब सिर्फ अपने तक नहीं रखा उन्होंने अपना नाम, उन्होंने चारों तरफ खुशबू को फैलाया और कई लोगों को उन्होंने दिया, जिसको जितनी चाह थी, जिसको जितना, जो जिस जितना भार उठाने के लायक था उसको उन्होंने वो दिया। किसी से कुछ उन्होंने छुपाया नहीं, बहुत दिया। आपको क्या जवाबदारी लगती है कि आप ये परंपरा और कैसे बेहतर ढंग से चलेगी? जब मेरी जवाबदेही क्या, मैंने मेरी शादी हुई थी जब, तो मेरे ससुराल नॉर्वे में है, यूरोप में है, तो अप्पा जी को भी एक क्षण के लिए लगा कि ये अब छोड़ छाड़ के वहां चली जाएगी। मैंने तो इस पे बहुत मेहनत की है और मुझे भी ये बहुत क्लियर था। तो मैंने उसी समय, मैंने भी जब शादी का प्रपोजल भी आया था, तो मैंने बोला कि मैं इंडिया में रहना चाहती हूँ। तो वो लोग, इसलिए वो भी संगीत से जुड़ी फैमिली है मेरे ससुराल वाले, 3-4 पीढ़ी से वहां संगीत हो रहा है। मेरे हस्बैंड भी तबला वादक है, नॉर्वे में काफी अच्छा काम है, उनका नाम उधर है। तो और मेरे ससुर जी खासकर, उन्होंने समझा, उन्होंने बोला नहीं बेटा, आपकी जगह इंडिया ही, आप इंडिया रहो। तो उस समय मैंने ये सोचा कि मेरा, जैसे मैं पहले जिंदगी जी रही हूँ और मैं वैसे ही जीऊंगी। यूरोप का जो एक ग्लैमर है, जरूर सब लोग बाहर जाना चाहते हैं कि सब आपको बना बनाया वहां मिल रहा है, सब लोग आनंद से, और जो आम लोगों की सोच होती है कि हम विदेश में जाके रहें, तो वो मैंने चॉइस किया कि नहीं, मुझे यहाँ रहना, मुझे यहाँ, मुझे ये जवाबदेही। और जो प्यास को लेकर मैं अप्पा जी के पास गई थी, जब वहां से लेके मैंने अब रियाज किया, तो मेरा फर्ज बनता है कि मैं यहाँ रहूँ। मेरे अंदर से ये आवाज आई और मैंने ये बात जब बोली तो इस बात को माना भी गया। तो मैं अभी भी उसी रास्ते पे हूँ जिस रास्ते पे मैं बचपन में 4-5 साल की उम्र में थी। और अब आपकी तो शिष्य परंपरा आगे आई है, आप सिखा रही हैं, नए जी कलाकार तैयार हो रहे हैं, तो अपने शिष्यों के बारे में क्या कहना चाहेंगी? वो समय और आज के समय में क्या फर्क लगता है? फर्क फर्क तो है, फर्क तो है, लेकिन समय बहुत चेंज हो गया। देखिए ना, हमारे देखते देखते कितना समय चेंज हो गया है। और अभी कोई बोलेंगे 9-10 साल के लिए छोड़ छाड़ के गुरु के घर में रहो, और अपा जी ने बोला कि तुम अब PhD और MA मैंने किया था, चल रहा था मेरा PhD वगैरह, ये सब बेटा मत करो, अब तुमने जब सीखना है तो सिर्फ सीखो। तो आजकल का जो स्टूडेंट होगा वो सोचेगा मैं PhD भी करूं, मेरा ये भी क्लियर होना चाहिए ताकि मुझे जॉब मिल जाए, क्योंकि समय बहुत तेज हो गया है, कंपटीशन बहुत है। लेकिन एक तरह से समय बदल गया, और एक तरह से ये भी है कि समय सब समय समान ही होता है। उस समय भी अगर आप चाहो तो आप भाग सकते थे उस तरफ, लेकिन आपको प्रायोरिटीज अपनी देखनी होती है। समय अगर आर्ट आर्ट लाइन में, अगर आप डॉक्टर बनते हैं तो कुछ साल आपको देने ही पड़ते हैं, उस तरह से अगर आप आर्ट लाइन में हैं तो कुछ साल आपको देने ही पड़ेंगे। आप शौकिया, थोड़ा बहुत गालिया तो हो गया, ऐसे नहीं होगा। लेकिन मैं लकी हूँ कि मेरे से कुछ लोग मुझसे ऐसे कुछ सीख रहे हैं जो कि अच्छा रियाज कर रहे हैं, और इंडिया में भी हैं और विदेश में 10-15 लोग हैं जो कि यहाँ के लोग गए हुए हैं विदेश में। तो वहां पे 15-16 लोगों का ऐसा ग्रुप है जो कि उसमें कुछ ब्रिटिश लोग भी हैं, फ्रेंच हैं, इटालियंस हैं अच्छा, और इंडियंस हैं। जी, तो वो 15-17-18 लोगों का ग्रुप है। वो लगातार 12-13 साल हो गए, हर साल एक वर्कशॉप ऑर्गेनाइज करते हैं, या इटली में या लंदन में ज्यादा होता है। तो वो लोग हर साल वहां पे मैं वर्कशॉप करती हूँ, और उनमें से 3-4 लड़कियां हैं जो कि बहुत अच्छा गा रही हैं अभी। तो अभी उन्होंने ऑनलाइन भी सीखना थोड़ा शुरू किया है। कुछ हैं जो इंडिया आके 2-2, 3-3 महीने आके रह के जाती हैं सीखने के लिए। तो हाँ। इस तरह से मैं एंजॉय करती हूँ सिखाना, अच्छा लगता है बहुत।
एक रचना मैं और आपसे सुनाने का अनुरोध करूंगा। हम लोग धीरे धीरे, अब 5 मिनट हमारे पास है, 5-6 मिनट है, तो एक दो दो मिनट में कुछ खत्म हो सके, 2-3 मिनट में। आपको एक सरप्राइज, ये जो रचना मैं सुनाऊंगी वो आपको एक सरप्राइज होगा। आपकी कविता को मैंने स्वरबद्ध किया था, जो कि मैंने कभी कहीं नहीं गाया, आपने, हाँ तो आपने तो उसको शायद जी मुझसे ठीक भी कराया था। क्या हाँ, तो वो मैं सुनाती हूँ। बात <तो. है, वाह स्वागत है। coughs> ये आपने लिखा है, सुनील जी ने, जी, तो आप परंपरा की चीजें हजारों वर्षों से जो चली आ रही है वो भी गाते हैं, लेकिन नया भी कुछ अच्छा अगर दिखता है तो उसको कंपोज करके और गाने का सुख एक अलग तरह का है। तो जी, उसको हमने आनंद लिया उसको कंपोज करने में, और आपको मैंने सुनाया भी था। हाँ हाँ अब बिल्कुल, शब्द आई होप कि मुझे याद हैं, अभी मेरे मन हुआ वो हाँ गाने का। हाँ आपने कहा था कभी आप उसको जी स्वागत। हाँ हाँ अखियां तरसी तुम रे दरस को, आओगे कब तुम सांवरे सांवरे, अखियां तरसी तुम रे दरस को, आओगे वाह कब तुम सांवरे तुम्हारे दरस को, नैना तरसे आओगे कब तुम सांवरे, अखियां तरसी तुम्हारे दरस को, आओगे कब तुम सांवरे। बहुत सुंदर, पंथ निहारू राह निहारू, आओगे कब तुम सांवरे, बोझिल राह बुहारू। हो गई अखियां सारी, बोझिल हो गई अखियां सारी, आओगे कब तुम सांवरे, आओगे कब तुम सांवरे, अखियां तरसी तुम रे दरस को, आओगे कब तुम सांवरे। और क्या बात है। तो जी और इस वातावरण में, अपने मायके में हिमाचल में, क्या कुछ नया करने का विचार बना? ऐसे चलते चलते पूछ रहा हूँ, कुछ नया मैं बस कुछ। कंपोज कर रही हूँ हाँ और नई नई चीजें। हाँ मैं एक नया ये कर रही हूँ, मेरे पिताजी की कंपोजिशंस जो मैंने बचपन में जो मैं गाती थी, बचपन की हाँ बहुत सारी चीजें, जैसे वो ग्रुप सॉन्ग्स बहुत अच्छे तैयार करवाते थे, भजन बचपन में उन्होंने बहुत करवाए, तो उन चीजों को वापस मैं देख रही हूँ अपने यहाँ की डायरी खोल के। और कुछ चीजें हाँ हैं, मैंने एक चीज रिकॉर्ड भी की है, मैं कल परसों तक उसको फेसबुक पे डालने वाली हूँ। तो अपनी बेटी को बिठा के साथ में गाया जो मेरे पिताजी से सीखा, तो उनकी भी कुछ बंदिशें यहाँ इस माहौल में आके मेरा मन किया कि अपने पिताजी की कुछ कंपोजिशन को मैं करूँ, तो वो कर बहुत रही हूँ। सुंदर, ये तो बहुत अच्छा। केदारा भी इस रास्ते पे है, केदारा आपकी बिटिया। जी जी हाँ जी तो ये वो अब सीख हमको रही है पत नानू जी की। हाँ हमको अब 10 सेकंड में इसको वाइंड अप करना है, तो हम अपने सभी देखने वालों का शुक्रिया अदा करते हैं। मैं निजी थैंक रूप यू। से